हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गो एग्रो। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर का सब्जेक्ट है रूरल सोशियोलॉजी एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, लेक्चर नंबर 4। एंड इसके टॉपिक्स हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड कास्ट सिस्टम एंड क्लास सिस्टम। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक्सटेंशन के 3 लेक्चर बनाए थे, इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर सच अपडेट्स, इसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन डेफिनीशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है एक सोसाइटी में रहने वाले लोगों को हम डिफरेंट कैटेगरीज जैसे पावर और वेल्थ के बेसिस पर उन्हें डिवाइड करते हैं, उसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में हम सोसाइटी के लोगों को परमानेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे कि हायर लेवल, लोअर लेवल एंड सुपीरियर और इन्फीरियर पोजीशन में क्लासिफाई करते हैं। ऑकबर्न और निंकोफ के अकॉर्डिंग स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि सोशल इंडिविजुअल को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग, इसे हम स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिस और टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। अब हम समझते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन को हम किन किन बेसिस पर और डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री मीन्स ह्यूमन को उनके बैकग्राउंड्स के अकॉर्डिंग उन्हें क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फैमिली रेप्यूटेशन, समाज में उनकी कितनी इज्जत है उसके अकॉर्डिंग, या फिर वो कितने समय से उस जगह पर रह रहे हैं, इसके बेसिस पर हम इन्हें डिवाइड करते हैं। द सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज इकोनॉमी। इस कैटेगरी में सोसाइटी को वेल्थ, उनकी रिचनेस या फिर उनकी पुअरनेस के अकॉर्डिंग उसे डिवाइड करते हैं। इसके अलावा उनकी एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड लोग। थर्ड बेसिस इज फंक्शनल यूटिलिटी। फंक्शनल यूटिलिटी मीन्स सोसाइटी के लोग क्या काम करते हैं या फिर एजुकेशन लेवल के बेसिस पर उन्हें डिवाइड करते हैं, जैसे टीचर्स, साइंटिस्ट या फिर लेबर्स। और लेबर्स में भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड, मीन्स जिन्होंने काम सीखा हुआ होता है, जो एक्सपर्टीज होते हैं उन्हें स्किल्ड वर्कर्स बोलते हैं, और जो ट्रेनर्स या फिर लर्नर्स होते हैं उन्हें अनस्किल्ड लेबर बोलते हैं। आफ्टर दिस द फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज पॉलिटिकल बेसिस। पॉलिटिकल पावर के बेसिस पर हम सोसाइटी को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि रूलर्स मीन्स जो लोगों पर शासन करते हैं, और रूल्ड पीपल मीन्स वो लोग जिन पर रूरल्स रूल करते हैं, जिन्हें हम कॉमन पीपल बोलते हैं। द फिफ्थ टाइप इज बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, मीन्स इसमें हम बायोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर डिवाइड करते हैं, जैसे एज या फिर उनके सेक्सेस के अकॉर्डिंग, जैसे मेल या फीमेल, या फिर चिल्ड्रन, एडल्ट, मेन एंड वुमेन। और जैसा कि हम जानते हैं, सोसाइटी में मेंस को एज कंपेयर टू वुमेन हायर पोजीशन दी है। द सिक्स टाइप इज फेडल एंड स्लेवरी। इस क्लासिफिकेशन में सोसाइटी के इकोनॉमिक बेसिस पर उन्हें डिवाइड करते हैं, जैसे कि मास्टर्स और स्लेव्स। सो जैसा कि हम जानते हैं, मास्टर्स सुपीरियर होते हैं और स्लेव्स से अपना काम करवाते हैं। आफ्टर दिस द एट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज ई स्टेट। ये स्ट्रेटिफिकेशन पास्ट के लैंड होल्डर्स के बेसिस पर होता है। सो जैसा हम जानते हैं, पास्ट में ह्यूमन पॉपुलेशन के 3 ई स्टेट बनाए गए थे, जिसमें सबसे सुपीरियर होते हैं नोबल्स एंड क्लर्की, जिनके पास सबसे ज़्यादा लैंड होता है। उसके बाद आते हैं बिजनेसमैन जो मार्केटिंग करते हैं, और थर्ड स्टेट में आते हैं लेबर्स एंड आर्टिसन जो जॉब करते हैं और उनके पास लैंड ना के बराबर होता है। द एट्थ बेसिस इज रिलीजियन।
रिलीजन के बेसिस पर हम सोसाइटी को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑर्थोडॉक्स एंड अनऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेडिशंस, कस्टम, रिलीजियंस को फॉलो करते हैं, और दूसरी कैटेगरी में आते हैं अनऑर्थोडॉक्स, जो ट्रेडिशंस, कस्टम्स को फॉलो नहीं करते हैं। नाइन्थ बेसिस इज कास्ट। कास्ट के बेसिस पर हम सोसाइटी को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। हम जिस फैमिली में बर्थ लेते हैं हमारी कास्ट वही हो जाती है, सो ये एक हेरिडिटी चेंजेस हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन की मेनली दो फॉर्म्स होती है, फर्स्ट इज कास्ट सिस्टम एंड द सेकेंड इज क्लास सिस्टम। सो अब हम कास्ट सिस्टम को समझते हैं। कास्ट सिस्टम इंडियन सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये हेरिडिटी वाइज डिसाइड होता है। कास्ट सिस्टम में मोबिलिटी अलाउड नहीं होती है। कास्ट को चेंज करना एक इम्पॉसिबल टास्क होता है। सो सेम कास्ट के लोग सेम ट्रेडिशंस, सेम ऑक्यूपेशन को शेयर करते हैं और उनके ब्लड रिलेशंस होते हैं। मेनली कास्ट सिस्टम फोर टाइप्स की होती है, जिसमें सबसे टॉप मोस्ट आते हैं जो हायर लेवल पे होते हैं उन्हें बोलते हैं ब्राह्मिन्स, और इस कैटेगरी में आते हैं गुरु और प्रिस्ट, यानी कि जो मंदिर में पुजारी होते हैं। सेकंड लेवल पे आते हैं क्षत्रिय, और इसमें लोग होते हैं वॉरियर्स, किंग, एडमिनिस्ट्रेटिव। थर्ड कैटेगरी इज वैश्य, जो लोकल बिजनेसमैन, ट्रेडर्स और एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं। और लास्ट कैटेगरी में आते हैं शूद्र, जिन्हें लेबर्स इंक्लूडेड होते हैं। सो अब हम कास्ट सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं, मींस कास्ट सिस्टम में क्या क्या मेन फीचर्स होती है। द फर्स्ट इज हेरिडिटरी। कास्ट सिस्टम हेरिडिटरी होता है। ह्यूमन कास्ट सिस्टम स्ट्रिक्टली हेरिडिटरी फॉलोड होता है। इसे चेंज करना इजी नहीं होता है। हम जिस फैमिली में बोर्न होते हैं हमारा कास्ट वही हो जाता है जो हमारे एंसेस्टर्स की होती है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज एंडोगेमस। एंडोगेमस का मीनिंग होता है कि पर्सन उसी फैमिली में मैरिज कर सकता है जिससे वो बिलोंग करता है। मींस अगर कोई पर्सन अदर कास्ट में मैरिज करना चाहे तो उसे कास्ट से निकाला जाता है। सो ये कास्ट सिस्टम का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें एंडोगेमस प्रोसेस होता है। द थर्ड इज हायरार्कियल। सोसाइटी में कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे कि कुछ सुपीरियर होते हैं जिन्हें हम ब्राह्मिन्स बोलते हैं, उसके बाद आती हैं क्षत्रिय, और उसके बाद आते हैं वैश्य, एंड लास्ट कैटेगरी में आते हैं शूद्र। सो ये हायरार्की वाइज डिवाइड होता है। द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज फिक्स्ड ऑक्यूपेशन। सेम कास्ट के लोगों का ऑक्यूपेशन फिक्स्ड होता है, जैसे कि गोल्ड स्मिथ, सुनार का बेटा सुनार होता है, कारपेंटर का बेटा कारपेंटर होता है, और ये ऑक्यूपेशन जनरेशन टू जनरेशन फॉलो करते हैं। द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज रेस्ट्रिक्टेड फूड हैबिट। कास्ट के लोगों के अकॉर्डिंग उनकी फूड हैबिट्स अलग अलग होती है, जैसे कि ब्राह्मिन्स जो एकदम प्योर वेजिटेरियन होते हैं, और क्षत्रिय जो रॉयल राजसी भोजन करते हैं, एंड शूद्र तामसी फूड खाते हैं। द सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक इज अनटचेबिलिटी। इंडियन कास्ट सिस्टम में शूद्र को अनटचेबल्स माना गया है। पहले के टाइम पे शूद्र को पॉल्यूटेड माना जाता था और इन्हें पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एब्सेंस ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी। सो कास्ट सिस्टम में कोई मोबिलिटी अलाउड नहीं होती है। किसी भी पर्सन की कास्ट उनके बर्थ से लेकर लाइफ टाइम तक सेम रहती है। सो दिस इज ऑल अबाउट कास्ट सिस्टम। द नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल क्लास। सोशल क्लास क्या होता है? स्ट्रेटिफिकेशन अगर वेल्थ और सोशल स्टेटस के बेसिस पर किया जाए तो उसे सोशल क्लास बोला जाता है। सोशल क्लास ऑक्यूपेशन, इनकम, एजुकेशन, मॉरल, रेस, फैमिली बैकग्राउंड के बेसिस पर किया जाता है।
इन ग्रुप्स में कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती है। जैसे कि क्लास सिस्टम के बेसिस हैं एज, यंग एज या ओल्ड एज, सेक्सेस, मेल या फीमेल, और इकोनॉमिक ग्रुप में आते हैं अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल क्लास, मीन्स सोशल क्लास के क्या क्या फीचर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज सोशल क्लास सोसाइटी को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, इन्फीरियर और सुपीरियर। सेकेंड इज सेम क्लास के लोगों का सिमिलर ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और इनकम स्टेटस होता है, इसीलिए हम इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। द थर्ड इज क्लास सिस्टम में मोबिलिटी अलाउड होती है, अगर कोई पर्सन हार्ड वर्क करे तो वो अपना सोशल स्टेटस इम्प्रूव कर सकता है और वो मिडिल क्लास से अपर क्लास बन सकता है। फोर्थ फीचर है कि सेम क्लास के लोग सेम रेस्पेक्ट और प्रेस्टिज इंजॉय करते हैं, और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। द लास्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ क्लासेस, सोशल क्लासेस कितनी टाइप की होती है। द फर्स्ट इज ऑक्यूपेशनल क्लासेस, ऑक्यूपेशनल क्लासेस को हम दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं, रूरल एंड अर्बन। रूरल कैटेगरी में आते हैं लैंड ओनर्स, लैंड टेनेंट्स, एग्रीकल्चरल लेबर एंड नॉन एग्रीकल्चरिस्ट। अर्बन क्लास में आते हैं प्रोफेशनल मैन और वर्कर्स। वर्कर्स दो टाइप के होते हैं, स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर्स। जिनके पास एक्सपीरियंस होता है उन्हें हम स्किल्ड वर्कर्स बोलते हैं, और जो ट्रेनिंग लेते हैं उन्हें हम अनस्किल्ड वर्कर्स बोलते हैं। सेकेंड इज इनकम क्लासेस, इनकम क्लासेस तीन टाइप की होती है, हायर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। हायर क्लास में आते हैं रिच लोग और लोअर क्लास में आते हैं पुअर लोग। द थर्ड क्लास इज एजुकेशन क्लासेस, एजुकेशन क्लासेस दो टाइप की होती है, लिटरेट और इलिटरेट। जिनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है उन्हें हम लिटरेट बोलते हैं, और जिनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होती है उन्हें हम इलिटरेट बोलते हैं। लिटरेट क्लास को हम दो लेवल्स में डिवाइड करते हैं, लोअर एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। जो लोग ओनली स्कूलिंग करते हैं उन्हें हम लोअर एजुकेटेड लोग बोलते हैं, और जिनके पास कॉलेज क्वालिफिकेशंस होती है वो लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम कल्चर, ट्रेडिशन और नॉर्म्स को समझेंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।